आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। आज हम बात करेंगे डीजल पेट्रोल के रेट को लेकर। जहां आज कांग्रेस सड़कों पर है, वहीं आम आदमी भी डीजल के रेट बढ़ने की वजह से लगातार परेशान है। आज की बात इसी मुद्दे पर होगी। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई। हम कुछ बड़े नेताओं की बातें भी, फाइल जो उन्होंने निकट भविष्य में पूर्व में क्या बोला था उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट डीजल और पेट्रोल के रेट को लेकर। चंदो की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखे बाजों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है ये प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको याद है कि ये 2014 के पहले कहा करते थे कि हम 300 से 30 रुपये के लगभग डीजल और पेट्रोल देंगे, लेकिन आज जब इनकी बारी आई तो आज 90 रुपये डीजल पेट्रोल बिक रहा है। निश्चित रूप से सरकार को ये कोरोना संकट में एक तरफ तो आप लॉकडाउन बढ़ाते हो, दूसरी तरफ आप गरीब मजदूरों को उनके घर भेज दिए हो, अब ऐसे में आप डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ा दिए हो, तो ऐसे में हम सभी क्या करें। और जिस तरह से इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, पहली चीज़ तो आपने हथिया के सरकार बना ली, उसके बाद उसी जनता को क्या ये जो विधायक खरीदे गए थे उसकी कीमत वसूली जा रही है। भारत में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी बेच पा रहे हैं, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त हुई थी उसी पैसे को सूल करने के लिए शिवराज सिंह जी ने डीजल पेट्रोल का अधिक टैक्स लगाकर 90 रुपये बिकवा रहे। हम कांग्रेस के लोग आंदोलन जन आंदोलन करेंगे। बीजेपी सरकार की तरफ से जिस तरह से ये डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये डीजल और पेट्रोल का रेट ही नहीं है, इससे महंगाई दर इतनी बढ़ रही है कि गरीब जनता मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई है। पूरे देश में जहाँ कच्चा तेल बहुत सस्ता हुआ है, वहीं पे ये भारत सरकार ने मिलके इतना लंबा इसका मूल्य वृद्धि कर दी है, और ऊपर मूल वृद्धि नहीं है, रोजाना की जो मूल वृद्धि है इसमें ये अपना टैक्स जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, जहां शिवराज सिंह आज लॉकडाउन में लोग पीड़ित हैं, श्रमिक अपना खाना पीना और भरण पोषण की उनको दिक्कत लगी है, लेकिन आज ये पेट्रोल डीजल में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार टैक्स बढ़ा रही है। इस कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो खाद्य पदार्थ भी महंगा होगा, इसलिए हम लोग मैदान में साइकिल यात्रा किए हैं और शिवराज सिंह को अपना पुराना दिन याद दिला रहे थे। जो शिवराज सिंह सरकार ने बीजेपी विधायकों को खरीदे हैं, इसी में आज ये सब जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीजल महंगा है, तो सिर्फ इसीलिए बढ़ाया गया है, जो कि मैंने उनको पैसा दे के खरीदे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बना दिया। आज 24 जून को पेट्रोल से महंगा डीजल, जबकि कांग्रेस पार्टी थी तब 70 रुपये से मैंने खरीदना शुरू किया था, आज 89 रुपये ही डीजल ही बिक रहा है। इस समय पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के रेट को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, जहाँ एक और इस समय देश कोरोना वायरस से पहले ही जूझ रहा था, उसके बाद भारत चाइना के बीच में सीमा पर LAC बॉर्डर पर जो भी तनाव हुआ उसको लेकर लगातार यहाँ पर राजनीतिक रूप से काफ़ी गतिविधियाँ सरगर्मियाँ बढ़ी हुई थी। इसी दौरान आम जनता के लिए एक बुरी खबर आ रही है, वह खबर है डीजल और पेट्रोल के रेट को लेकर। मैं आपको बताऊं, आज़ाद भारत में पहली बार अगर मैं बात दिल्ली की करूँ तो दिल्ली में आज की तारीख में
24 जून, जी हाँ 24 जून 2020 को दिल्ली में पहली बार डीजल का रेट पेट्रोल के रेट से ज़्यादा हुआ है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अभी तक ये माना जाता था डीजल और पेट्रोल के रेट में लगभग 9 से 10 रुपए का अंतर हुआ करता था। वजह सीधी और साफ थी, डीजल यहाँ के किसान ज़्यादातर खेती करने वाले लोग इस्तेमाल करते थे, उद्योग धंधों में डीजल का इस्तेमाल होता था, बसों में ट्रकों में डीजल का इस्तेमाल होता था। अब जब पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं तो निश्चित रूप से डीजल के रेट पेट्रोल के रेट से ज़्यादा हैं, इसको लेकर लोगों की चिंता स्वाभाविक है। हमने काफ़ी लोगों से बात की, सबके अलग अलग विचार आपने सुने। माना जा सकता है अगर यही स्थिति रही तो निकट भविष्य में आम आदमी काफ़ी परेशान होगा। वजह सीधी और साफ होगी, डीजल के रेट कई चीज़ों को प्रभावित करते हैं। डीजल के रेट ट्रक, जब डीजल ट्रक में भरा जाएगा तो ट्रक आने से जाने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। बसों में डीजल के रेट बढ़ने की वजह से माल भाड़ा किराया बढ़ेगा, उसके लिए भी आम आदमी को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। निश्चित रूप से ये एक आम आदमी के लिए काफ़ी दुखदायी खबर है, डीजल का रेट पेट्रोल के रेट से दिल्ली में ज़्यादा होना, उसका असर निकट भविष्य में रीवा में भी दिखाई पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल की समस्या को लेकर हमें ये कहना है कि हमें जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, कि हम पर जो भी चार पैसे मेरे पास हैं उसको हम पेट्रोल में देने चलेंगे। जो रोज दिन आगे बढ़ रहा है पेट्रोल का, इसको जिम्मेदार मानते हैं, इसको जिम्मेदार मानते हैं मोदी जो है बैठे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीएम शुक्ला है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ।